19 साल की उम्र में ये लड़की बन चुकी है कुख्यात डॉन। इस लेडी डॉन को पहले एक गैंगस्टर से प्यार हुआ। इसके कुछ समय बाद ये लेडी डॉन अपना दिल दूसरे गैंगस्टर को दे बैठी। इसके बाद प्यार के खेल में दो गैंगस्टर के बीच दुश्मनी हुई, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। 19 साल की उम्र बहुत कम होती है। इंसान बेशक 19 साल तक बालिग हो जाता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनियादारी समझते समझते उसे कई साल लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में ये लड़की डॉन बन चुकी है और दनादन गोलियां भी चलाती है। नाम है रेखा मीणा। रेखा मीणा के डॉन बनने से जेल तक पहुंचने की पूरी कहानी जानने से पहले जान लीजिए कि आखिर रेखा मीणा कौन है। बचपन में ही माँ की मौत हो गई थी। रेखा जैसे जैसे बड़ी हुई तो गलत संगत में आकर इसने अपराध की दुनिया में पैर रख दिया। ये लेडी डॉन क्या करती थी, इसके परिवार में किसी को पता नहीं था। सोशल मीडिया पर अटेंशन की भूखी ये खतरनाक लेडी डॉन गालियों की बौछार कर देती है, और तो और विरोधी गैंग को अक्सर ललकारती रहती है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले कई महीनों से राजस्थान पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, और अब जाकर राजस्थान पुलिस ने इस लेडी डॉन रेखा मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। रेखा मीणा डॉन कैसे बन गई और कैसे आशिक की हत्या के आरोप में खुद फंस गई, पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। इस लेडी डॉन के प्यार में दो गैंगस्टर पड़ गए थे और यहीं से प्यार का धर्म युद्ध शुरू हुआ। रेखा मीणा की मुलाकात गैंगस्टर अनुराज मीणा से जयपुर में हुई थी। दोनों करौली जिले के रहने वाले थे और दोनों का मिजाज भी एक जैसा ही था, और इसीलिए दोनों बहुत जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। गैंगस्टर अनुराज ने ही रेखा मीणा को अपने दोस्त पप्पू मीणा से मिलवाया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही पप्पू और रेखा मीणा के बीच में प्यार पनपने लगा। जब अनुराज को दोनों की नजदीकियों की भनक लगी तो अनुराज और पप्पू के बीच रेखा को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान मौका देखकर रेखा मीणा फिर से अपना पाला बदलकर अनुराज के पास आ गई। रेखा ने अनुराज को पप्पू के खिलाफ भड़काया और इस प्यार का अंत खून खराबे से हुआ। गैंगस्टर अनुराज ने दूसरे गैंगस्टर पप्पू के घर जाकर उसे गोली मार दी, और इस तरह से इस लेडी डॉन के प्यार में एक डॉन का कत्ल हो जाता है। राजस्थान के करौली जिले में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रेखा को लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। इलाके में होने वाली हर छोटी से बड़ी पार्टी में रेखा मीणा मौजूद होती थी। इसे देखकर अच्छे अच्छे बदमाशों की बोलती बंद हो जाती थी। बताया जा रहा है कि रेखा मीणा के पिता मजदूरी करते हैं और उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी कब इतनी बड़ी डॉन बन गई। हालांकि अब सबको पता चल चुका है। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने रेखा मीणा को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। रेखा मीणा पर अपने आशिक गैंगस्टर को कत्ल के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही दूसरे गैंग के लोगों को जान से मारने की धमकी देना, फेसबुक पर गाली गलौज करने जैसे आरोप भी शामिल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेखा मीणा को एक मौका देकर छोड़ देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुलिस ने रेखा मीणा को गिरफ्तार करके सही किया, और रेखा मीणा पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।